Hello everybody, welcome back to my YouTube channel and welcome to another vlog. Today is the 17th of June और अभी सुबह के 8:55 हो रहे हैं and I thought that I will start my new vlog before I go downstairs to prepare lunch. आज लंच का as such कुछ आइडिया नहीं है कि क्या बनेगा. मेरा क्या है, मूंग दाल चीला खाने का बहुत इच्छा हो रही है मेरी, तो मैं शायद जाके मूंग की दाल भिगो दूँ एंड देन आई विल मेक द मूंग दाल चीला. दैट माइट हैपन. अदर देन दैट अभी तक का तो एज सच और कुछ सिनेरियो हुआ नहीं है कि क्या बनेगा क्या नहीं. कल रात को भी कुछ डिसाइड नहीं हुआ था एज सच कि आज क्या बनाएंगे, तो अब नीचे जाके देखेंगे फिर कि क्या बनाना है एंड ऑल ऑफ दैट. टुडे आई एम ऑल्सो स्टार्टिंग माई ब्लॉग विथ माई कैमरा बिकॉज इट्स बिन अ वाइल सिंस आई एक्चुअली यूज माई कैमरा. तो मुझे लगा कि यार आज ना ब्लॉग कैमरे से ही चालू करते हैं, तो इसलिए मैं वो कर रही हूँ. एंड या जो मेरा वीक लॉन्ग ब्लॉग है वो उसके थोड़े से एडिट्स और उसमें थोड़े से टेक्स्ट वगैरह डालने बाकी हैं, तो दैट व्हाइल आई एम कुकिंग नीचे और मैं जब अपना कॉफी ब्रेक लूंगी उस टाइम पे बीच बीच में जब मैं खाना बनाती हूँ तब मैं बीच बीच में जो थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेती हूँ लाइक जब मसाला वगैरह पकता है एंड ऑल ऑफ दैट, तो उस टाइम पे जो है मैं इसकी एडिट कम्प्लीट कर लूंगी, इसमें टेक्स्ट वगैरह डालना एंड ऑल ऑफ दैट, और फिर उसके बाद उसको एक्सपोर्ट पे डाल दूंगी. अब देखती हूँ मैं एक्सपोर्ट पे मैं नीचे ही डाल दूंगी, नीचे मेरा काम खत्म हो जाएगा, या फिर मैं ऊपर आके और उसको एक्सपोर्ट पे डाल के उसके थंबनेल वगैरह भी बनानी है. अभी मुझे उसकी थंबनेल अभी बनी हुई नहीं है, तो वो भी एक सीन है. तो दिस व्लॉग आई एम ऑल्सो गोइंग टू एडिट ऑन माई लैपटॉप बिकॉज इट्स बिन अ व्हाइल कि मैंने अपने लैपटॉप पे एडिट किया है, तो मैं वो भी एक चीज करने वाली हूँ. दिस टाइम आई एम डूइंग अगेन वो जो पहले मैं करती थी ना कि कैमरे से रिकॉर्ड किया फिर फुटेज लैपटॉप पे ट्रांसफर करी फिर लैपटॉप पे साइमल्टेनियसली उसको एडिट कर लिया सो दैट इट डज नॉट गेट समथिंग. जो पिछले वीक हुआ था कि मैं थर्सडे तक मेरा व्लॉग ही एडिट नहीं हुआ था फ्राइडे तक, और इसलिए मुझे जो है उसको पूरा वीक लॉन्ग मतलब वीक एंड वीकेंड दोनों मिला के एक वीक लॉन्ग बनाना पड़ गया. बट यस दैट इज दैट एंड नाउ लेट्स गो डाउनस्टेयर्स एंड प्रिपेयर लंच. 3 आवर्स लेटर मूंग दाल चीला इन द मेकिंग. Later. It is 12:45 right now and I am back into my room after preparing all the lunch and everything. लंच में आज क्या मैंने आप लोगों को मूंग दाल चीला तो दिखाया इसे कि वो बना बिकॉज लाइक आई सेड इन द मॉर्निंग की मेरी इच्छा हो रही थी, तो फिर मैंने जाते नीचे और मूंग की दाल भिगो दी थी, तो वो एक सीन हो गया. और बाकी पापा और भैया के लिए, क्योंकि मूंग दाल चीला मैं सागर एंड मम्मी हम तीनों खा लेते हैं, तो फिर पापा और भैया के लिए मम्मी ने जो टिंडे होते हैं वो और चने की दाल मिक्स करके वो एक बना दिया टिंडे चने की दाल. तो और फिर मैंने रोटी सेक दी और साइमल्टेनियसली फिर मैंने चीले भी सेक लिए थे, तो वो एक सीन हो गया. अब मैं ऊपर आ गई हूँ. अब मैं जो मेरा जो वीक व्लॉग है जो लास्ट वीक का व्लॉग है वो क्या है, अभी एक्सपोर्ट हो रहा है तो ये इसका 50% हो गया है, अभी इसको थोड़ा सा टाइम और लगेगा. तो ये एक बार हो जाए उसके बाद आई एम गोइंग टू हैव अ लुक एट इट. मैं इसको ट्रांसफर करूंगी लैपटॉप में, लैपटॉप में आराम से बैठकर देखूंगी कि कहीं कुछ मिसिंग तो नहीं है, कोई ऑडियो इधर उधर तो नहीं हो रहा है एंड ऑल ऑफ दैट. सो आई एम गोइंग टू सी दैट एंड देन आई एम गोइंग टू अपलोड इट. एंड मैं अपने जो चीले हैं वो भी मैं ऊपर ले आई हूँ. ढाई चीले हैं, ढाई चीले मैंने अपने लिए बनाए, ढाई चीले सागर के लिए और दो चीले मम्मी के लिए. तो वो एक सीन हो गया है अब. एंड हाउस हेल्प भी ऊपर रूम की जो सफाई वगैरह है वो करके नीचे जा चुकी है. आज मैंने कपड़े भी धोने डाले थे तो मैंने हाउस हेल्प अभी वो नीचे ही है, तो मैंने उनको बोला था कि आप ऊपर लेकर आ जाना उनको कपड़ों को बिकॉज आई हैड स्टफ इन माई हैंड तो आई कुडंट ब्रिंग इट. सो आई टोल्ड हर कि आप जो है मशीन में से कपड़े थोड़े से निकालने हैं क्योंकि मैंने दो इंस्टॉलमेंट्स में धोए थे, तो कुछ निकाल दिए थे मैंने, फिर उसके बाद जो बाकी बचे कपड़े थे वो जो लगाए थे वो थे अभी मशीन में, तो मैंने अपनी हाउस हेल्प को बोल दिया था, तो वो भी बकेट जो है वो ऊपर ले आएंगे, उसके बाद फिर मैं उसको भी सुखाने का काम कर दूंगी. तो वो एक सीन है. एंड या एज सच और कुछ तो अपडेट है नहीं अभी मुझे, बस मैं ब्लॉग का काम करूंगी बैठकर. उसके अलावा तो आई डोंट थिंक देयर इज समथिंग दैट आई एम सपोज टू बी डूइंग. लिप बाम गिरी है नीचे. एनी हूँ तो यस आई एम गोइंग टू सिट विथ माई लैपटॉप राइट नाउ एंड देन आई विल ये जैसे ही एक्सपोर्ट हो जाएगा उसके बाद लाइक आई सेड जो भी मैंने बोला वो सब करूंगी मैं बैठकर. बट तब तक क्योंकि मेरा पसीना सूख चुका है बिकॉज मेरे 15-20 मिनट हो गए ऊपर आए हुए, क्योंकि मेरा पसीना सूख चुका है मेरा लंच टाइम भी हो चुका है, तो इसलिए अब मैं बैठकर लंच करूंगी एंड आई एम गोइंग टू कंज्यूम सम कॉन्टेंट समथिंग आई वॉच वाइल आई एम ईटिंग. 3 hours later. इट इज़ 3:30 राइट नाउ एंड मैंने जो भी वीक लॉन्ग व्लॉग के जो भी काम था एडिट्स वगैरह सब कुछ थंबनेल एवरीथिंग हैज बीन डन और अब मैंने उसको 6 o'clock के लिए स्केड्यूल कर दिया है. लेटर दैट सेम इवनिंग.
इट इज 7 o'clock राइट नाउ एंड मैं क्या है अभी आधे घंटे पहले ही अपने आफ्टरनून नैप से उठी हूँ एंड आज क्या है मैं थोड़ा सा सो गई, थोड़ा सा ही सोई हूँ, ऑनेस्टली बता रही हूँ थोड़ा सा ही सोई हूँ, सिर्फ 1.5 घंटा सोई हूँ मैं, ज़्यादा नहीं सोई, 1.5 घंटा भी शायद ही, मतलब मैं टूटी टूटी नींद आई है मेरे को क्योंकि अब आदत नहीं रही ना दिन में सोने की तो टूटी टूटी नींद आती है, बट आई डिड स्लीप बिकॉज आई डोंट नो आई वाज जस्ट फीलिंग वेरी टायर्ड टुडे। आज तो किचन में काम करते करते भी थोड़ा अजीब सा ही हो गया था, घबराहट वगैरह होने लग गई थी बिकॉज इट्स वेरी 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 हॉट तो इस वजह से, बट यस अभी क्या है मैं नीचे जाऊंगी डिनर वगैरह देखने के लिए कि क्या प्रिपेयर करना है क्या करना है एंड ऑल ऑफ दैट। कपड़े मैंने सुखा दिए, मुझे हाउस हेल्प एक्चुअली बता के नहीं गई कि मैंने बाल्टी ऊपर रख दी हो, तो क्या है मैं ऊपर हॉल की लाइट जलाने के लिए बाहर निकली अभी उठने के बाद, तो आई सॉ दैट द बकेट वाज केप्ट अप, तो आई वाज लाइक अच्छा ये रख के चले गए, बट मेरे को बताया नहीं, अदरवाइज जनरली इफ आई से हर टू डू समथिंग लाइक दिस देन शी नॉक्स ऑन माय डोर एंड शी सेज मी कि भाभी मैंने रख दिया ऊपर, बट टुडे मे बी शी मस्ट हैव फॉरगॉटन, अदरवाइज शी इज वेरी रिस्पॉन्सिबल। हाँ मतलब हम लोगों की जो ये हाउस हेल्प है ना शी इज वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल एंड शी डज द वर्क ऑल्सो वेरी नाइसली, जो काम बोलो वो अच्छे से कर देती है, टच उट नजर नहीं लगाऊंगी मैं। मेरी जो जो मेरा वीक लॉन्ग ब्लॉग है वो भी शाम को आज 6 बजे के आसपास मैंने उसको स्केड्यूल कर दिया था, 3 बजे के आसपास उसका पूरा अपलोडिंग का काम हो गया था, बट क्योंकि वो 4K में था तो इस वजह से उसको प्रोसेस होने में टाइम लग रहा था, तो इसलिए मैंने सेफ साइड 6 o'clock का उसको स्केड्यूल करके और छोड़ दिया था, तो वो अपलोड हो चुका है। आई विल लीव द लिंक ऑफ इट अप हियर इन द आई फॉर यू गाइस टू गो एंड चेक इट आउट, बट यस दैट हैज बीन डन एंड अदर देन दैट आई डोंट थिंक देयर इज समथिंग दैट आई नीड टू गेट डन। यस नीचे जाके अभी देखेंगे डिनर का क्या सीन रहता है, बट यस The next morning. Today is the 18th of June. अभी सुबह के 9 बज रहे हैं। I am just about to go downstairs. Lunch वगैरह prepare करना है मुझे। Bathing, skin care वगैरह हो गया है। आज काफी जल्दी उड़ गई थी मैं because सागर के फोन पे किसी बच्चे का कॉल आया था from the hostel. He wanted some new guy had come. He wanted to see the room in the hostel. तो इस वजह से क्योंकि उनके फोन की बेल वगैरह बजी और फिर मेरा भी अलार्म बज गया, so then I woke up a little early. But वो वही बात है ना, 9 तो कैसे भी बच जाती है पता ही नहीं पड़ता है। आज ट्यूसडे भी है तो देर इज अ वेरी हाई चांस दैट वी माइट गो टू गोदावरी इन द इवनिंग टुडे। बहुत टाइम से गए नहीं है, देखते हैं आज बालाजी बुलाते हैं तो जाएंगे जरूर, और अगर गई तो ऑब्वियसली मैं वो पार्ट कैप्चर करके और डालूंगी व्लॉग में, बट आई एम नॉट रियली श्योर, बट नाउ फॉर नाउ लेट्स गो एंड प्रिपेयर लंच। 2 hours later. इट इज 11:15. आज कुछ ज्यादा ही जल्दी आ गई हूँ मैं रूम में वापस क्योंकि नीचे का काम आज जल्दी नहीं उठ गया तो इसलिए आज जल्दी आ गई। मैंने मेरे लिए लंच में क्या बनाया, मूंग दाल के चीले, कल नहीं परसों वाला जो घोल है वो रखा हुआ था, तो नहीं कल ही तो बनाए थे मूंग दाल के चीले, हाँ कल ही बनाए थे, तो उसका घोल रखा हुआ था तो इतना था कि वो एक जन के आराम से हो जाए, तो मैंने मेरे लिए वो बना ली, बाकी सबके लिए मैंने गंवार फली की तरी वाली सब्जी और रोटी बना दी। तो जब वो रोटी मैं सेक रही थी उसी टाइम पे जो है मैंने अपने जो चीले थे वो भी बना लिए, बट क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा जल्दी है तो इसलिए मैंने जो है उनको क्योंकि मैं अभी नहीं खाऊंगी तो इसलिए मेरे सामने जो टेबल है उसके ऊपर मैंने उसको रख दिया है, जो टीवी के नीचे वाली जो टेबल है, एंड फिर जब 12:30 मेरे को जब भूख लगेगी उस टाइम पे आई विल ईट इट, बट यस दैट इज वॉट इट इज एंड नाउ आई एम गोइंग टू वॉच समथिंग ऑन नेटफ्लिक्स एंड या That's what I wanted to update you guys about. Later that night. Day 3. It's 19 June today और अभी सुबह के 9 बजे हैं and I'm done with my bathing, skin care वगैरह सब मेरा हो चुका है, अब मैं जा रही हूँ नीचे and नीचे आज क्या बनेगा लंच में not exactly sure. थोड़ा सा ना पनीर रखा हुआ है तो मैं मेरे लिए सोच रही हूँ थोड़ा सा मिक्स्ड पनीर की सब्जी बना लूंगी, उसमें वेजीज वगैरह डाल के, मशरूम रखे हुए हैं, कैप्सिकम रखा हुआ है, तो वो सारी चीजें करके और एक मसालेदार सब्जी वगैरह बना लूंगी अपने लिए, बाकी मम्मी वगैरह उन लोगों को जो भी खाना होगा वो जैसा बोलेंगे वैसा बना देंगे। और उसके अलावा तो कल रात को हम लोग बैठकर कुछ तो भी तो देख रहे थे, यस हम लोग कल रात को बैठकर ऑसवर्ल्ड और रिची रिच देख रहे थे, फिर देखते देखते नींद आ गई तो फिर हम लोग बंद करके और सो गए। अब बस मैं नीचे जाऊंगी लंच प्रिपेयर करके और फिर ऊपर आ जाऊंगी।
3 hours later. And I am back. अभी हो रहे हैं exactly 11:40 और मैं आ चुकी हूँ ऊपर. नीचे का खाना वाना सब हो गया है. मैं अपनी जो मेरा जो खाना है वो मैं ऊपर ले आई हूँ. मैंने जो बोला था पनीर एंड मसाला एंड ऑल ऑफ दैट, वो सारा करके इसमें मशरूम्स हैं और जो मसाला है जो आपको ग्रेवी दिख रही है उसमें अनियन और टमेटो है और पनीर तो जो है वो तो है ही सही. और मशरूम्स और कैप्सिकम्स जो है वो मैंने बड़े चंक्स करके थोड़े डाले तो थोड़ी सब्जी भी बढ़ गई है उसमें और थोड़ा अच्छा सा टेस्ट, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है. बट येस आई हैव टू वेट नाउ फॉर अनदर आवर. तो बस अभी वही है. नीचे बाकी सबके लिए दाल चावल बने हैं. आटा लगा हुआ ऑलरेडी था फ्रिज में रखा हुआ तो वो मैंने निकाल दिया था. तो अगर पापा को रोटी खानी होगी, क्योंकि बाकी सब तो दाल चावल ही खाएंगे, अगर पापा को रोटी खानी होगी तो देख लेंगे, मम्मी बना देंगी जैसा भी होगा. मतलब शी डिडंट टेल मी कि बना दो तो इसलिए मैं बिना बनाए ऊपर आ गई. तो अगर ऐसा कुछ होगा तो वील सी. बट यस अभी मैं क्या है, मुझे रियलाइज हुआ कि जो वो एक शो आ रहा है ऑन कलर्स दैट्स ऑल्सो अवेलेबल ऑन जियो सिनेमा विद द नेम ऑफ लाफ्टर शेफ, तो उसका जो नया एपिसोड था, मतलब जो सैटरडे वाला एपिसोड था, नहीं सॉरी जो संडे वाला एपिसोड था वो देखा नहीं है अभी तक मैंने. मैंने सैटरडे वाला तो देख लिया था संडे को, बट संडे वाला मैंने अभी तक देखा नहीं है. तो इसलिए अभी क्या है, मैं अभी वो बैठकर देखने वाली हूँ. उसमें मेरा अच्छे से एक घंटा आराम से निकल जाएगा. फर्स्ट बात खाना खाते के टाइम पे देख लेंगे, कुछ ना कुछ तो देख ही लूंगी मैं. ये बहुत ही ब्ला सा व्लॉग होगा क्योंकि ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे खुद को नहीं पता कि इस व्लॉग में क्या हो रहा है. मैं कहीं जा नहीं रही हूँ, कुछ कर नहीं रही हूँ, तो आपको इसी एंगल्स में सारी बातें होती हुई दिखेंगी. तो अगर आपको इंटरेस्ट आएगा तो रेस्ट ऑफ द व्लॉग देखते रहना, अगर नहीं आएगा तो भी देख लेना प्लीज, और सब्सक्राइब भी कर देना अगर नहीं किया है अभी तक तो. बट यस दैट्स व्हाट आई एम गोना डू. आई एम गोइंग टू सिट एंड वॉच लाफ्टर शेफ. Later that night. It's 10:30 in the night and I'm just back into my room from नीचे का और काम and everything. And अभी क्या है, सीन ये है कि मुझे आज हेड वॉश करना था बट मुझे दिन में नींद आ गई तो मैं सो गई. तो अब आज हेयर वॉश नहीं होके अब वो होएगा फ्राइडे को, क्योंकि कल थर्सडे को हेयर वॉश वगैरह कुछ भी नहीं करती मैं, तो इसलिए अब वो फ्राइडे को होगा. तो वो एक सीन है. उसके अलावा आज क्या है कि खाने में मैंने रोटी खाई, थोड़ी सी भिंडी की सब्जी थी वो खाई, थोड़ा दही रखा था उसको मैंने बघार लिया था क्योंकि मैं रात में नॉर्मल दही नहीं खाती, थोड़ा सा तड़का लगा लेती हूँ उसमें राई जीरा और करी पत्ते का, तो वो एक काम कर लिया था मैंने. और उसके अलावा मैंने जो है मम्मी ने मेरे लिए साबुदाने की खिचड़ी भेजी थी तो मैंने वो भी खाई थी, तो वो चीज़ें खा ली थी मैंने. बाकी इनके लिए मैंने रोटी सेक दी थी तो इन्होंने भी फिर कद्दू की सब्जी मम्मी ने बना दी थी तो कद्दू की सब्जी के साथ इन्होंने भी रोटी खा ली. तो दैट्स व्हाट हैज हैपेंड एंड नाउ आई एम गोइंग टू जस्ट लाई डाउन एंड रेस्ट. So I will see you guys tomorrow in the morning. The next morning. Today is the 20th of June. It's Thursday. Abhi subah ke 8:55 ho rahe hai and I'm done with my bathing, skincare, everything and I'm just about to go downstairs. So I thought I will give you guys a check-in. So basically what's happening is that lunch ke liye main already kal raat ko hi preparation karke thodi si aur aa gayi thi, which was ki aaj kya rajma banane wali hu main. To isliye maine kal raat ko hi rajma jo hai dho ke gala diye the so that main aaj unko bana paun, because unko kam se kam 8 to 12 hours jo hai aapko bhigona hota hai tab jaake wo acche se bheegte hain, to 11 ghante kareeban ho gaye hain. तो अभी बस मैं जाऊंगी नीचे और फिर उसके बाद जो है मैं राजमा बनाऊंगी. राजमा के साथ अब जिसको जो खाना होगा उस हिसाब से देख लेंगे, राइस कोई खाएगा तो राइस, रोटी कोई खाएगा तो रोटी, वैसे टाइप्स. बट यस आज मैं राजमा बना रही हूँ तो इसलिए उसकी प्रेपरेशन मेरी काफ़ी दिनों से इच्छा भी हो रही थी राजमा खाने की, तो मैंने इसलिए जो है उसकी प्रेपरेशन मतलब भिगोने का काम मैं कल रात में करके आ गई थी, क्योंकि एक रात पहले अगर कर दो ना तो फिर ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता कि अगले दिन क्या बनाना है टाइप्स, तो इसलिए मैं कल ही वो करके आ गई थी. तो अभी बस मैं नीचे जाऊंगी और जो लंच की प्रेपरेशन है वो करूंगी. Later that same evening. It is 7 o'clock in the evening and I was just about to go downstairs so I thought I will give you guys an update of what I did, which was actually nothing. मैं खाना बना के 11:30-12 बजे तक मैं ऊपर आई. ऊपर आने के बाद में मैंने 12:30 बजे खाना खाया, which is my usual time that I have my lunch at. एंड लंच करने के एक डेढ़ घंटे बाद देन आई स्लेप्ट एंड टिल देन आई वॉज जस्ट
doing random stuff, watching Friends on Netflix, scrolling on my phone and all of that. I did start watching a movie, but I started feeling sleepy, so I band karke aur main so gayi. And I woke up at around 5:30, 5:45-ish. उसके बाद मैंने वापस से मूवी देखना चालू करा. देर इज स्टिल 10-15 मिनट्स लेफ्ट, बट अब मैं नीचे जा रही हूँ क्योंकि 7 बज गई है, तो नीचे जाके डिनर वगैरह के प्रिपरेशन का भी काम देखना है कि क्या है क्या नहीं है टाइप्स. अगर सुबह के राजमा चावल रखे होंगे तो ऑब्वियसली दिस नथिंग टू डू, बट अगर नहीं रखे होंगे तो फिर कुछ ना कुछ देखना पड़ेगा. तो वो एक सीन है. अदर देन दैट आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग एल्स. सो या दैट इज व्हाट आई वांटेड टू अपडेट यू गाइस अबाउट. Later that night. It's 9 o'clock in the night and I'm just back into my room. I'm done with my dinner. आज मैं नीचे करके dinner आ गई ऊपर. राजमा चावल जो सुबह बनाया था वही अभी शाम को भी खा लिए, काफी सारे रखे थे तो हो गए थे आराम से. सागर अभी भी हॉस्टल पे ही है क्योंकि मम्मी और पापा जो है वो कहीं गए हुए हैं, तो ये वहाँ पे देख रहे हैं चीजें एंड एवरीथिंग. सो ही इज जस्ट सिटिंग देयर. मतलब जो भी अगर कुछ काम वाम होगा तो वो कर रहे होंगे, बट ही इज बेसिकली हॉस्टल पे. एंड वो वहाँ से तब आएंगे जब मम्मी पापा वापस पहुँच जाएंगे हॉस्टल पे. तो वो एक सीन है. तो उनको क्योंकि भूख लग रही थी तो 8:30 बजे के आसपास ही केम और इन्होंने मेरे को बोल दिया था टू पैक हिज मील हिज डिनर. एंड मैंने वो पैक करके और उनको दे दिया था. तो वो एक सीन है. अदर देन दैट नथिंग एज सच. आज इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान का सुपर 8 का मैच है एंड दिस इज फर्स्ट इंडियाज मैच इन सुपर 8s. तो वो भी मैं देखने वाली हूँ. आई डोंट नो कब तक देख पाऊंगी, कितनी बजे तक देख पाऊंगी. आई डोंट नो अबाउट ऑल ऑफ दैट, बट येस आई एम गोइंग टू बी वॉचिंग दैट. तो वो एक चीज है. उसके अलावा तो आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग दैट्स हैपनिंग. सो या That's all that I want to share with you guys. And I'm also going to be ending my vlog right here. So if you guys enjoyed watching, please hit the like button, comment down below and let me know how you enjoyed watching. I would love to hear it from you guys. Share this video with your family and friends. And if you and your family and friends haven't subscribed to my channel yet, please subscribe. Follow me on Instagram. The links to all my social media handles, Instagram, Snapchat, Facebook, everything is mentioned in the description box below. I will see you guys in my next video. Until then, bye. सिर्फ एक ही ओवर थी 8वीं ओवर जहां पे चौका नहीं आया, बाकी हर ओवर पे चौका आया है.